हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो सुपर टेट के सेफ स्कोर्स क्या होते हैं। जब आप सुपर टेट देते हो तो क्या कट ऑफ चाहते हैं, कैसे कट ऑफ बनता है 100% में, कितने आपके बीए बीएससी बीकॉम के जो मार्क्स जुड़ते हैं, कितने टेंथ एंड ट्वेल्थ के जुड़ते हैं, क्या यूपी टेट एंड सी टेट के मार्क्स जुड़ते हैं कि नहीं, ये भी एक चीज़ मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बताऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, मार्क्स जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। देखिए, एक चीज़ अगर आप जान लेते हैं कि सुपर टेट में आपको कितने नंबर लाने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यूपी टेट एंड सीटेट के जो एग्जाम्स हैं आपके होने वाले हैं, वैकेंसी आने वाली है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंफर्म होती नजर आ रही है। लेकिन सुपर टेट के लिए थोड़ी सी आशंका है, लेकिन उसकी भी बात ये होती है 2023 के लास्ट में या 24 के स्टार्टिंग में जो है ये आयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी वैकेंसीज आने के हैं कुछ चुनाव के मुद्दे की वजह से, ठीक है। ये चीज़ें आपको फर्दर कन्फर्म होंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आप निकाल सकते हैं एकेडमिक नंबर, ठीक है। टेंथ ट्वेल्थ में आपके कितने आ गए और आपके कितने जोड़ने हैं नंबर, किस किस क्लास के और कौन से नहीं जोड़ने हैं, उस हिसाब से आपको सुपर टेट में कितना बनाना होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, छोटी सी वीडियो है। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको कुछ चीज़ें देख रही हैं। देखिए, जो सुपर टेट की वैकेंसी है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे सुपर टेट का सेफ स्कोर और यहाँ पे शिक्षक भर्ती में मेरिट कैसे बनती है, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी जा सकती है, कितने नंबर पे स्कोर आपको कितना लाना होगा, है ना। जैसे आपने मान लीजिए चार आपके एकेडमिक नंबर जोड़ा आपने, टेंथ ट्वेल्थ वगैरह सब कुछ, तो अगर आपके कुछ नंबर आ रहे हैं तो उस हिसाब से सुपर टेट में कितने लाने होंगे या वैकेंसी के हिसाब से कितना लाना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ यूपी टेट के जो मार्क्स होते हैं एड होते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2019 का एक डेटा आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें कितने स्कोर्स वगैरह गए थे। डेटा ये है कि 19,000 की वैकेंसी आई थी, आप लोग इसे जानते हैं। फॉर्म भरे गए थे 4,31,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जो परीक्षा दिए थे वो 4,00,000 के आसपास दिए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 30-31,000 लोगों ने फॉर्म नहीं, मतलब परीक्षा नहीं दिया था उन्होंने। सिलेक्शन सिर्फ होगा कितने लोगों का, जितने लोगों ने भैया वैकेंसी आई थी तो उतने के ही होंगे। 69,000 वैकेंसी थी, 69,000 माइनस कर दीजिए, कहीं ना कहीं 34,000 के आसपास लोग, 3,46,000 के आसपास लोग जो है रेस्ट थे, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो कुछ ऐसे हैं। साथ ही साथ अगर हर साल की हम रेशियो की बात करें, हर साल जो बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं या डीएलएड वाले हैं, ये लमसम 2 से 2.5 लाख लोग जो है यहाँ पे हर साल करते हैं बीएड बीटीसी या डीएलएड वगैरह। तो उस हिसाब से देख लें, 4 साल वैकेंसी नहीं, 2019 से 2023 तक कोई वैकेंसी सुपर टेट की नहीं आई है, जो कि शिक्षक भर्ती कहा जाता है, 2 लाख के आसपास करते हैं, तो 8 लाख लोग जो है ऐसे हैं जो कि डिग्री लेके बैठे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 लाख के आसपास, 3,46,000 के आसपास इसको थो जो बचे हुए थे 2019 में, तो कहीं ना कहीं 12 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं सुपर टेट देने के लिए, इस आयास में बैठे हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई 12 लाख अगर हैं तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, सब तो एलिजिबल होंगे नहीं, है ना, क्योंकि यूपी टेट एंड सी टेट भी पास करना ज़रूरी है। तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो दे सकते हैं, तो अगर 12 लाख में हम यहाँ पर मोटा मोटा जोड़ें तो 12 लाख में 8 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि यूपी टेट सीटेट पास कर लेंगे। तो उस हिसाब से आपका इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। कितनी वैकेंसी आएगी, मान लीजिए अगर 60,000 वैकेंसी आती है, जो 69,000 आई थी, इसमें जो कट ऑफ गया था वो 66 प्लस गया था और 70 के बीच में ये कट ऑफ गया था। लेकिन अगर 60 वैकेंसी 60,000 के आसपास आएगी तो यहाँ पे आपको 70 प्लस जो है यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, और ये चीज़ आपको इसके ऊपर नंबर लेके आना होगा। अब बात आती है यहाँ पे एक नोट की, मैंने आपको बताया था कि यूपी टेट सीटेट इसमें आपके कट ऑफ जो है, सॉरी, इसके नंबर जुड़ते हैं कि नहीं, तो यूपी टेट सीटेट के नंबर नहीं जुड़ते हैं भाई। ये चीज़ काफ़ी अच्छा, मतलब मिथ है एक तरीके से, लोग इसमें डरते हैं कि मेरे कम नंबर आ गए। भाई देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें सीटेट में नंबर लाने होते हैं 82, और जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें लाने होते हैं 90। तो 82 नंबर और 90 नंबर आपके आए हैं, उससे ऊपर आए हैं तो आप लोग पास हैं, एलिजिबल है, है ना, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो है नंबर जो है आपका नहीं जुड़ेगा। ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है ना, तो इसका नंबर नहीं जुड़ने वाला है। इससे कम है तो आप देखिए, लाइफ टाइम सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड हो गया है, लेकिन फिलहाल अगर आप देना चाहें, मेरे ख्याल से भी देना चाहिए परीक्षा, थोड़ा सा आपको बूस्ट होती रहती है, नॉलेज और प्रैक्टिस होती रहती है, शिक्षक भर्ती में चीज़ काम आता है, तो आपको देना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए जो है इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो आप चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नंबर कैसे जुड़ते हैं। मिनिमम कट ऑफ जैसे मैंने बताया 66 गया था, ठीक है, 66 प्लस। अब देखिए 100% मेरिट में कैसे बनती, भाई देखिए 60% 40% में डिवाइड होती है। 60% मतलब कहीं ना कहीं एस्टेट होता है, और 40% आपका एकेडमिक होता है, ठीक है। एकेडमिक में जैसे टेंथ है, ट्वेल्थ है, बीए बीएससी बीकॉम है, ठीक है, बीएड या बीटीसी या डीएलएड है, ठीक है। टेंथ का 10%, 12 का 10%, बीए बीएससी का 10%, बीएड का 10%, या बीटीसी या बीएलएड का 10%। अब 10% कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे चलिए मानते हैं एक लड़का है जिसका नाम है राहुल,
ठीक है। राहुल है, इनके जो नंबर है वो 75 नंबर है 10th में, और 73 नंबर है इनके 12th में, और 60% है इनके ग्रेजुएशन में, और साथ ही 82% है इनके उसमें बीएड में बीटीसी में, ठीक है मान लेते हैं। अब इस हिसाब से अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए और जहाँ पे मैंने लिखा 10th का 75 वहाँ पे आपका जितना उतना लिखिए, 12th में जितना उतना लिखिए, बीएबीएससी में जितना उतना लिखिए, और साथ ही बीएड या बीटीसी बीएलएड में जितना है उतना लिखिए, ठीक है। तब आपके जो है स्कोर आपके मैच हो पाएंगे, मेरे स्टेप्स के हिसाब से करते चलिए आपके सही हो जाएंगे। देखिए 75 का 10% 7.5 हो जाएगा, 73 का 7.3 हो जाएगा, 60 का 6.0 हो जाएगा, 82 का 8.2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे कहीं ना कहीं आपका 29.0 के आसपास, हाँ 29.0 आएगा, मतलब 29 नंबर एक कट ऑफ आपका निकल गया 40% वाला। बात आती है 60% वाली, एस्टेट का कट ऑफ कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं एस्टेट का कट ऑफ 60%। मान लीजिए एस्टेट में राहुल का 110 नंबर आ गया, मानते हैं एज आ लेट करते हैं, ठीक है इस चीज़ में लेट करके चल रहा हूँ, 110 नंबर आया कितने में, 150 में, तो 150 का परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहले मैं बता रहा हूँ, दूसरा ट्रिक से वो भी बताऊँगा। इसको सिंपली आप यहाँ से काट दीजिए और 5 3 15 5 2 10 तो 220/3 इसको फर्दर आप काट सकते हैं, लेकिन ये कट नहीं रहा पॉइंट में आएगा इसलिए मैं दिक्कत होगी इसलिए मैं काटूंगा नहीं इसको। 220/3 आ गया, अब 60% कहा था तो अब इसका 60% आपको निकालना है, ठीक है। 3 2 6 कितना आ गया 44। इसी को शॉर्टकट से निकालेंगे तो 110 को अगर हम गुणे 0.4 से कर देते हैं तभी 44 आएगा, मतलब कि आपका कोई कुछ भी नंबर स्टेट में आया हो 0.4 से कर दीजिए आपका फाइनल कट ऑफ निकल के आ जाएगा। ये एक ट्रिक थी, ठीक है, ऐसे भी आप करके देख सकते हो 44 नंबर आ गया। अब बात आती है जो फर्स्ट कट ऑफ था 40% वाला और दूसरा 60% वाला। फर्स्ट में कितना आया था 40% वाले में 29 आया था, और प्लस में 44 करते हैं 9 4 13 4 2 6 1 7 73 आ रहा है इनका नंबर कट ऑफ में, तो इनकी क्वालिफाई जो होती है वो हाई हो जाती है, मतलब ये जो है इनका भर्ती हो जाएगी इस हिसाब से, अगर जो है वैकेंसी 60,000 के आसपास आती है तो, ठीक है, तो 70 प्लस कट ऑफ जाएगा इस हिसाब से जो है ये क्वालिफाई है, इनका स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा शिक्षक भर्ती में। तो इस हिसाब से आपको निकालना है, कुछ रेशियोज मैंने कुछ डेटा यहाँ पे बनाए हैं, कितने नंबर अगर मान लीजिए आपके 22 नंबर आए, 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, 32 नंबर आए, 28 नंबर आए, 27 25 26 तो इस हिसाब से आपको स्टेट में कितना लाना होगा, ये चीज़ मैंने बना रखा है पहले से ही जिससे आपको आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। चलिए देखिए कितने नंबर पर कितना स्कोर होना चाहिए, चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए 25 से अगर कम है, 25 less than 25 तो आपको 120 प्लस सुपर टेट में लाना ही लाना होगा, इतना नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन रहने से रहा, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा आपका फिर, क्योंकि 120 प्लस लाना होगा। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ अभी से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, अगर वैकेंसी आपकी दिसंबर में आ गई तब आपके पास भी समय कम है, क्योंकि यूपी टेट सी टेट की भी आपको तैयारी करनी है और साथ ही साथ सुपर टेट की करनी है। सुपर टेट की थोड़ा पहले से करेंगे तो जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है सुपर टेट का, यूपी टेट एज कम्पेयर टू सी टेट, ठीक है। अगर 27 नंबर आपके हैं तो 115 नंबर आपको लाना ही लाना है, 28 है तो 113 नंबर, 29 नंबर जोड़ने पे आ रहा है अकेडमी का 110 नंबर, 30 नंबर जोड़ने पे आ रहा है 110 नंबर, 32 नंबर जोड़ने पे आ रहा है 105 नंबर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वैकेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर 60,000 गई तो आपके कट ऑफ ऐसे ही बनेंगे, वैकेंसी कम गई तो अगर मान लीजिए वैकेंसी आपकी कितनी जा रही है 40 से 50,000 मान लीजिए अगर जा रही है तो आपके कट ऑफ 80 प्लस बनेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन देखिए भाई यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है 2019 के कंपेयर में। आज जो है यहाँ पे कम से कम 12 लाख लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं, जिसमें से कट कट आ गए 8 लाख लोग तो बैठे ही बैठेंगे इस भर्ती में, तो इस हिसाब से जो है कट ऑफ इतना ही आपका जाएगा 2019 अगर हम कंपेयर करें जो डेटा मिला है। तो अब आप लोग अपना मैच कराइए, एकेडमिक जो भी है आप लोग निकालिए, कितना आपको सुपर टेट में आता है, कितना आना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे बताइए, मैं भी आपका आप नंबर वगैरह आपको दे दीजिए, मैं भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ये खुद भी आप निकाल सकते हैं, सारे स्टेप्स मैंने बता दिए। टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स एंड पीडीएफ वगैरह मैं देता हूँ। साथ ही अगर आप नए हैं तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। सी टेट और यूपी टेट की जो है यहाँ पे तैयारी चलने वाली है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट्स के साथ ईवीएस एंड मैथ्स भी कराऊंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा फंसते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा, नोटिस भी वहीं से मिलती है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी ऐसे लगता है जिनके लिए अगर फ्रूटफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।